हेलो फ्रेंड्स, वाराणसी जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़े हुई है बॉक्स ऑफिस के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अजय देवगन ने इस साल की शानदार शुरुआत की थी किस फिल्म से, तो भैया तानाजी द अनसंग वॉरियर से। यानी कि इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन उसी के साथ एक ऐसा बिजनेस कर दिया बॉक्स ऑफिस पर जिसको देखने के बाद यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि भैया इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन। यानी कि भैया जबरदस्त कलेक्शन करते हुए अजय देवगन ने एक लैंडमार्क फिक्स कर दिया है बॉलीवुड के बाकी स्टार्स के लिए। यानी कि भैया 2020 में जितनी फिल्में आएंगी तो उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा तानाजी द अनसंग वॉरियर का। इसी के साथ साथ अजय देवगन की बहुत सारी फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर आने वाली थी और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है नीरज पांडे की आने वाली फिल्म यानी कि चाणक्या, जिसको लेकर बीच में खबरें यह आ रही थी कि इस फिल्म को डब्बा बंद कर दिया गया यानी कि यह फिल्म नहीं बनने वाली है। लेकिन अब जो खबरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है, यानी कि यह सारी के सारी बातें झूठी थी, फैलाई गई थी, गॉसिप थी। यानी कि भैया इस फिल्म का काम चालू है और नीरज पांडे गुपचुप तरीके से इस फिल्म को कंप्लीट करने में लगे हैं। यानी कि इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट जो है वो अपने फाइनल स्टेज पे है और इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि जो खबरें थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आएंगी तो वो सब आधारहीन है, यानी कि झूठी खबरें। यानी कि भैया ये हिंट दे दिया गया है नीरज पांडे की तरफ से कि भाई ये फिल्म सिनेमा घर में आने वाली है, यानी कि चाणक्या को हम लोग देख सकते हैं सिनेमा घर में। भैया किसके रूप में? तो अजय देवगन के रूप में। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि अजय देवगन की आने वाली इस फिल्म यानी कि चाणक्या का आप लोगों को कितना इंतजार है और आपको क्या लगता है जब अजय देवगन चाणक्या के रूप में बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेंगे तो यह फिल्म कितना धमाल मचाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।